हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले अपने इसकी मैकेनिज्म देखी क्या होता है, इसके लिए अपने को क्या चाहिए। एक अपने को चाहिए फॉरेन डीएनए, दूसरा इसको ले जाने वाला वेक्टर डीएनए चाहिए, फिर दोनों को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज चाहिए, उसके बाद कट करके फिर ज्वाइनिंग एंजाइम चाहिए लाइगेज, नया आरडीएनए बन गया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में। अब इस होस्ट के अंदर इस नए आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या होती है, कॉपी। नेक्स्ट इसी में है कि इतनी प्रोसेस करने के लिए अपने को कुछ टूल्स एंड टेक्निक चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आरडीएनए टूल्स एंड टेक्निक ऑफ आरडीएनए, इसके लिए क्या टेक्निक चाहिए। अब भाई ऐसा है कि इसके लिए जेनेटिक इंजीनियर जो होते हैं उनके पास हथौड़े तो होते नहीं है, हथौड़ा हो वो सब कुछ हो लेके तोड़ डाला डीएनए। अरे भाई इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें तो बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं, सेल के अंदर भी डीएनए, तो संभाल के रखना है ना उसको। तो इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक क्या होनी चाहिए बताइए आप। तो सबसे पहले देखें टूल्स एंड टेक्निक में, पहला तो फॉरेन डीएनए चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए, डिजायर्ड डीएनए चाहिए। दूसरा फिर अपने को एक वेक्टर डीएनए चाहिए, अच्छा कट करने के लिए चलो वेक्टर डीएनए चाहिए, फिर इन दोनों को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ठीक। और उसके बाद फिर अपने को और क्या चाहिए भाई, डीएनए मिल गया, वेक्टर मिल गया, एंजाइम मिल गया, अब भाई किस में डालोगे, मींस होस्ट। थर्ड स्टेप थर्ड फोर्थ चाहिए अपन को होस्ट, इतना सब कुछ चाहिए टूल्स एंड टेक्निक। इस पे अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो पहले भाई क्या निकालें, डीएनए। अब डीएनए निकालने के लिए क्या हथौड़ा तो नहीं चाहिए, हथौड़ा चाहिए, फावड़ा चाहिए, गैंती चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, तोड़ डाला तुमने। तो इसके लिए तो भाई सिंपल अपने को क्या चाहिए, मींस फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट एंजाइम, ठीक। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इस टेक्निक के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे नाम दिया अपन ने। एंजाइम्स में ये कई टाइप के होते हैं, जैसे नंबर वन पहला इसमें देखते हैं लाइसिंग एंजाइम। ये लाइसिंग एंजाइम क्या करेंगे, जैसे अपने पास कोई सोर्स था, सेल है, तो उस सेल से बाहर करना होगा डीएनए, तब जाके उसे कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसिंग एंजाइम चाहिए, क्या करते हैं, ओपन करते हैं होस्ट, ओपन द सोर्स सेल, मींस ओपन करने का काम होता है, ओपन द सेल जो भी सोर्स है। अब सोर्स के लिए जैसे मान लीजिए अपने पास एंजाइम और कौन सी सेल को ओपन करें, तो मान लो अपने पास जैसे एंजाइम है लाइसोजाइम, पहला एंजाइम है मान लीजिए लाइसोजाइम, ठीक। लाइसोजाइम एंजाइम ये किसको ओपन करेगा, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तो बैक्टीरियल सेल को ओपन करेगा। बैक्टीरियल सेल को ओपन करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। दूसरा एंजाइम देखिए नंबर वन, सेकेंड एंजाइम, अब मान लो इधर आपसे कहा जाए कि काइटिन एंजाइम है, काइटिन काइटिनेज, तो काइटिन की बनी होती है किसकी सेल वॉल, फंजाई, तो फंगल, फंजाई से अपन को कोई चाहिए तो फंजाई की सेल वॉल को ये डिजॉल्व करेगा काइटिनेज। थर्ड मान लो सेलुलेज, सेलुलेज और इसको ही बोलते हैं प्लस सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, पैक्टिनेज जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल वॉल, उसमें सेलुलोज होता है और मिडिल लैमेला, पैक्टिन होता है इसके अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल आगे बात करेंगे। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए दूसरा अपने को एंजाइम कौन सा चाहिए, मीन से किस सेल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा,
प्लांट सेल। तो यहाँ पर जिस टाइप की सेल होती है उसी सेल वॉल का जो नेचर है उस बेस पर एंजाइम का सिलेक्शन किया गया। दीज एंजाइम्स ओपन द सेल, सेल को ओपन करेंगे जिससे उसे अपन क्या बाहर निकाल सकें, डीएनए। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एंजाइम इज द लाइसिंग एंजाइम एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजाइम इज द क्लीविंग एंजाइम। एक क्लीविंग एंजाइम क्या है, सेकेंड ग्रुप क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का काम क्या होगा, ये कट करेगा डीएनए को, कट द डीएनए। अब कैसे कट करेगा, जो डीएनए अपन ने देखिए बैक्टीरियल सेल है प्लांट सेल है इससे डीएनए बाहर निकाल दिया, तो उसे डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम चाहिए, कट द डीएनए डिजायर्ड डीएनए। अब इस डीएनए को क्या करना है, कट करना है। तो इस बेस पर ये दो टाइप के एंजाइम होते हैं, नंबर वन इज द एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज का फंक्शन है देखिए क्या करेगा, ये एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब है डीएनए के जो एंड्स होते हैं 5 to 3, 3 to 5, इस एंड पर कट करेगा। इसका फंक्शन क्या होगा, रिमूव करेगा, कट करेगा तो रिमूव द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ऑन टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, टर्मिनल एंड्स ऑफ डीएनए पे कट करेगा। सेकेंड वन, सेकेंड एंजाइम इज द एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। ये एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, ये कट करता है डीएनए को, इनसाइड कट करेगा, अंदर की तरफ कट करेगा, और अंदर की तरफ कहाँ कट करेगा, ये स्पेसिफिक पोजीशन, ये कट ऑन डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन और दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। स्पेसिफिक पोजीशन को ही क्या नाम देते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट पर ये काम करेगा। इसका एग्जाम्पल है, इसीलिए इस एंडोन्यूक्लिएज का जो एग्जाम्पल है उस बेस पे दिया गया रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, अभी तक लगभग ए 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डिस्कवर किया जा चुका है। इनमें से इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में से फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज, इसका नाम क्या है, HIND second means, ये अभी अपन नोमेनक्लेचर में देखेंगे किस टाइप से, means हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और RDs की स्ट्रेन होती है और इसका ये आइसोलेशन ऑर्डर है। तो ये किस बैक्टीरिया से मिलेगा, फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन है उससे मिला। नॉमनक्लेचर में देखेंगे नाम क्यों पड़ा इसका इन सेकेंड, तो बट फर्स्ट आइसोलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये इन सेकेंड होता है, इसको 6 बेस कटर एंजाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड 6 बेस कटर एंजाइम। मीन्स 6 बेस को कट करता है, 6 बेस कटर एंजाइम है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं ये बेसिकली कट करते हैं 4 to 6 8 न्यूक्लियोटाइड को।
तो पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है रेस्ट्रिक्शन में, याद रखिए हिम सेकेंड, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से मिलता है और ये 6-बेस कटर एंजाइम कहलाता है। ठीक, इसके आगे अपन देखेंगे कि इसके द्वारा कट होने से कौन से एंड बनते हैं, तो इससे पैदा होते हैं कौन से एंड, ब्लंट एंड। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा एक और एंजाइम है इको आर वन, इसको किस बैक्टीरिया से लिया जाता है, ये बैक्टीरिया इसको डिस्कवर्ड किया था, ये डिस्कवर्ड एंजाइम हुआ है 1978, इसको डिस्कवर करने वाले आरवर स्मिथ एंड नाथन। तो याद रखिए डिस्कवर्ड बाय आरवर स्मिथ एंड नाथन, ये दो नाम याद रखो, स्मिथ एंड नाथन, इसमें ऐसे याद रखना है अपन को, स्मिथ एंड नाथन, इस टाइप से याद रखना है अपन को। स्मिथ एंड नाथन ने डिस्कवर किया था इकोर, और इसको ऑप्टेन कहां से करते हैं, ये एंजाइम कहां से ऑप्टेन होगा, तो ये फाउंड इन किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा, फाउंड इन ईसरियाई कोलाई। तो बैक्टीरियल एंजाइम का ही यूज किया, किसको काटने के लिए, कट करने के लिए डीएनए, फॉरेन डीएनए को। अब क्वेश्चन ये उठता है देखिए कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये बेसिकली फॉरेन डीएनए को कट करता है, तो प्रेजेंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया का एक्चुअल में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। मान लीजिए मींस अगला इस एंडोन्यूक्लिएज के बारे में एक और पॉइंट अपन देखें, पॉइंट वन, मान लीजिए इसको ए बी एंड सी, सी में देखें तो ये जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम इज द सेल्फ डिफेंस ऑफ बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियल सेल का सेल्फ डिफेंस है, इसे याद रखना है अपन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है, और बैक्टीरिया के अंदर उसका क्रोमोजोमल डीएनए, उसको भी कट कर सकता है, उसको कट कर सकता है, तो बैक्टीरियल डीएनए का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। बट इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया होता है ये मॉडिफाई होता है, और मॉडिफाई होकर इसमें मिथाइलेटिंग एजेंट मीन्स मिथाइलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, फोकस कीजिए इस वर्ड पर, सेल्फ डिफेंस क्यों पैदा हुआ, इसकी वजह है मिथाइलेटेड मीन्स CH3, इसमें मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, मिथाइलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डज नॉट कट टू ओन डीएनए को कट नहीं करेगा, खुद के डीएनए को कट नहीं करेगा, डज नॉट कट ओन डीएनए, इसकी वजह क्या है, मिथाइलेशन। जैसे मान लीजिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये, और ये मिथाइलेटेड है CH3, तो अब ये किसको कट नहीं करेगा, ओन डीएनए को कट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिथाइलेटेड है तो ये से डीएनए को ये मॉडिफाई करता है इस बात के लिए कि ओन डीएनए डजंट कट,
अपने डीएनए को कट नहीं करेगा, तो फिर करता किसको कट है? सेल्फ डिफेंस है ये, सेल्फ डिफेंस है, तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। बट कट किसको कट करता है? कट टू वायरल आरएनए। देखिए वायरल आरएनए को कट करेगा तो वायरल वायरस किसको मारता है? वायरस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया पे होता है, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, वायरस से अपने आप को बचाने के लिए अपने पास एक एंजाइम रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज मीन्स वायरस, ठीक, इस टाइप से वायरस है। अब इसने अटैक किया किस पर? ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया मान लीजिए। अब इस बैक्टीरिया पर किसका एक्शन है? बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए ये ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। अब ये जो वायरल आरएनए है वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल सेल को मार सकता है। तो बैक्टीरिया इससे बचने के लिए उसके पास अपना खुद का एक सेल्फ डिफेंस है। वो डिफेंस देखिए क्या है, इसका अपना खुद का डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, और दूसरा इसके पास एंजाइम है, कौन सा? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आरई है, ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, दिस वन इज द प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड पर जो डीएनए सीक्वेंस इस पर बेस की है उसको कट करता है या नहीं? नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है? इसमें मिथाइलेशन मॉडिफाई, ठीक है, ये मिथाइलेटेड है। बट अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लीजिए, ये कौन सा डीएनए, कौन सा आरएनए है? ये है वायरल, वायरल आरएनए। इस वायरल आरएनए को अब मान के चलें कि अपना ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मान लीजिए कैची टाइप का है, ठीक है, इस टाइप की एक सीजर है, ये सीजर है, ये एक्चुअल में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। अब ये कट करेगा किसको? इसको, ये जो वायरल आरएनए है, इस वायरल आरएनए को कट कर देगा। तो इससे आप देखिए इसके फ्रैगमेंट्स हो गए, ये फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ वायरल आरएनए। जब वायरल आरएनए कट हो गया तो वायरस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया पे रुक गया। मुझे लगता है बात समझ आ रही होगी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डज नॉट कट द ओन डीएनए बट इट एक्ट ऑन द वायरल डीएनए, वायरल आरएनए एंड कट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इनएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। ये फंक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, फोर्थ डी स्ट्रक्चर में बात करें, तो ये एक्चुअल में जो कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो कट करता है वो पैलिंड्रोमिक साइट पर काम करता है। मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इज पैलिंड्रोमिक। ये पैलिंड्रोमिक का मतलब समझिए, पैलिंड्रोमिक का मतलब जो डीएनए है उस डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है, ये मान लो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये 5-3 स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द 3-5 प्राइम। अब इस पर फॉर एग्जांपल जैसे ये बेस की सीक्वेंस है जी ए ए टी टी सी, ये 5-3 एंड पर सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है, तो जस्ट अपोजिट अनोदर एंड पे होगी। अनोदर एंड कौन सा है अपना? 3-5। अब 3-5 तो इस साइड से स्टार्ट होता था, तो देखिए यहाँ पे इस साइड में सी आएगा, तो अब वैसे भी बेस पेयरिंग जी की सी से होगी, और ये की किससे होगी? टी से, टी से टी की किससे होगी बताइए जरा, यहाँ पर ए से, और जी किससे करेगा? सी से। तो सीक्वेंस क्या थी यहाँ पर? जी फर्स्ट था, सी लास्ट था, यहाँ सी फर्स्ट है, जी लास्ट है, ये जी होगा, इज इट क्लियर? तो इस साइट को अपन क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक साइट।
राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, ये मान लीजिए कौन सा एंजाइम है, इको आर वन, इको आर वन, तो ये कट करता है जी और ए पर, 5-2-3 पे जी और ए पर कट किया इसने, तो ये दूसरे साइड में अपोजिट साइड में इसको सर्च कर लेगा, तो यहाँ पर जी और ए के बीच में कट लगाएगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट ये हुआ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसी डीएनए स्टैंड पर पैलिंड्रोमिक साइट पर काम करता है, मींस वो सर्च कर लेता है कि जो फर्स्ट प्राइम थी और उसके बाद जो सेकंड प्राइम है उस पर सेम साइट को सर्च कर लेता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होता है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट आएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम एंड उसके कट करने से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के कट करने से जो इसके एंड बनते हैं वो स्टिकी एंड होते हैं या ब्लंट एंड होते हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।